आज किस बुलेटिन के प्रायोजक हैं किसानों के लिए खुशखबरी के साथ। धानों की रुपाई अब हो गई आसान, 10 मजदूरों का काम सिर्फ एक मशीन द्वारा। साथ ही समय की बचत के साथ कीजिए धान की रुपाई, आज ही बुक कराइए, पहले आइए पहले पाइए। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए दिए गए नंबरों से। पता है प्यागीपुर चौराहा इलाहाबाद रोड सुल्तानपुर। इस बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं जैविक खाद। सब्जी फल फसलों के लिए जैविक खाद है वरदान। अब खेतों को अधिक उपजाऊ बनाइए और पाइए अधिक उपज। इच्छुक व्यक्ति और खाद विक्रेता दिए गए नंबरों से संपर्क करें। भारत में अब तक 256,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 124,000 से ज्यादा हो चुके हैं ठीक, 7200 अब तक हुई है मौतें। यूपी के गोरखपुर में कोरोना वार्ड में भर्ती 4 मरीजों की हुई मौत, अब तक प्रदेश में कुल 10,605 संक्रमित मरीज। यूपी के आजमगढ़ में सीएम योगी ने किया कोरोना वायरस की जांच मशीन का उद्घाटन, जिला अस्पताल का भी लिया जायजा। आजमगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के 155 मिले हैं मरीज, 50 हो चुके हैं स्वस्थ, 3 की हो चुकी है मौत। यूपी में कोरोना ने बदला फैशन का बाजार, शादी में हर रस्म के लिए डिजाइन मास्क हो रहे हैं तैयार। शराब को लेकर पत्नी से हुआ विवाद, पति ने फांसी लगाकर दे दी जान। रात में ही कमरे में हुआ हादसा, पत्नी को नहीं लगी भनक। सुबह देखा गया शव, गोरखपुर जिले के कैपियरगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव से जुड़ा है मामला। तीर्थ नगरी वृंदावन में नहीं खुले मंदिरों के पट, भक्तों ने डेहरी पर टेका मत्था, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। खबर रायबरेली से, रायबरेली में संदिग्ध कोरोना संक्रमण से मौत की जांच के मामले में ग्रामीणों ने विधायक और पूर्व एमएलसी राजा राकेश प्रताप सिंह से लगाई गुहार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भेजी जांच की टीम। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोटवा से जुड़ा है मामला। रायबरेली के महाराजगंज में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में चटकी लाठियां, 5 लोग हुए घायल, कोतवाली क्षेत्र के गांव लोनार मजरे दौतरा से जुड़ा है मामला। रायबरेली के अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक ने किया धार्मिक स्थलों का निरीक्षण, डलमऊ कस्बे के सभी धार्मिक स्थलों का किया निरीक्षण, धर्म गुरुओं से मुलाकात कर सरकार के आदेशों का पालन करने को कहा। खबर अमेठी से, अमेठी में कांग्रेस नेता सुनीता ने बांटे लंच पैकेट, प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग। तिलोई के देवा सरैया शंकरगंज मेढ़ौना आदि गांवों में महारसोई का किया आयोजन। अमेठी में दो गुटों में हुई मारपीट, जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, मारपीट में चली लाठियां, हसरन दुबे का पूर्वा ग्राम सभा झूठीपुर मुंशीगंज थाना क्षेत्र का है मामला। अमेठी में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां, ना कोई रोक ना कोई नियम का पालन। बिना मास्क के सैकड़ों महिला पुरुष खड़े हैं कतार में। तिलोई मोहनगंज के बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सामाऊ की है तस्वीर। खबर सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर में अनलॉक 1 शुरू होते ही शहर के प्रमुख मार्गों पर लगा ट्रैफिक जाम। लोगों को सोशल डिस्टेंस के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निकाला रूट मार्च, डाकघर चौराहे के निकट लोगों को मास्क लगाने के प्रति किया जागरूक। सुल्तानपुर में 2 और मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में अब तक 102 हो चुके हैं मरीज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीबीएन त्रिपाठी ने की पुष्टि। थाना कोतवाली देहात का एसपी ने किया औचक निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, इसी दौरान 2 पीआरबी को भी चेक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सुल्तानपुर में आज से खुले मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के कपाट, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टेका मत्था। शहर में आज से मॉल रेस्टोरेंट व अन्य दुकानें भी खुली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता है।